हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सर, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक सबसे बड़े चैलेंज के बारे में लाइफ में जो हमें फेस करना पड़ता है, और हम कहीं पर भी चले जाएं हर जगह सेम चैलेंज आते हैं। और वो क्या है? देखो, लाइफ में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टाइम और हम उसको कितना अच्छे से कर रहे हैं। तो टाइम क्या मतलब है? देखो, कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा लेट कर देंगे तो कहीं इतना लेट ना हो जाए कि यार अब तो बिल्कुल आउट ऑफ टाइम हो गए हैं, अब तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस चीज की। तो थोड़ा सा तो हमें सही टाइम पे चीजों को डिलीवर करना आना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होती है? जो हमने डिलीवर करा है वो सही है या नहीं। देखो क्या होता है, कोई चीज हम बहुत ज्यादा जल्दी कर देते हैं ना अगर, तो उसमें बहुत ज्यादा गलतियां निकलती हैं और वो और ज्यादा एक्सपीरियंस खराब कर देता है। तो हमें ऐसी चीजों में बैलेंस बनाना होता है कि कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, ज्यादा टाइम भी ना लें और क्या ना करें, गलतियां ना करें। तो ये जो सबसे अच्छा बैलेंस बनाता है वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा फोड़ता है, वो अपनी चीजों में अपने मतलब किल कर रहा होता है चीजों में एकदम, जो इस चीज को बैलेंस को समझ लेता है। तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करो, है ना, ज्यादा तेज चलोगे तो भाई सीख नहीं रहे होंगे, है ना, और ज्यादा टाइम लगा दोगे भाई, इतना टाइम ले लिया तो पता लगे जॉब्स भी सारे निकल गई हैं, बहुत आउटडेटेड हो गए हैं हम लोग, मनी हट गया है। तो ये चीजें हमें बैलेंस करनी होती है। तुम डेवलपमेंट सीख रहे हो, तुम ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है, ज्यादा टाइम लगा दोगे तो बहुत चीजें हो सकती हैं ना, और बहुत ज्यादा गलतियां करोगे तो भी नेगेटिव है। तो यार ये एक चैलेंज है लाइफ में जो सब लोग फेस करते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अच्छे से अपनी डेडलाइन रखा करो, हर जगह डेडलाइन रखो, जिससे कि थोड़ा टाइम अपना बाउंड रहे हम कि यार इतने टाइम में डिलीवर रखना है। और डेडलाइन थोड़ी सी मतलब इन द सेंस थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अगर पता है एक हफ्ते का काम है तो यार एक हफ्ता रखो, है ना, ऐसा नहीं उसको हम 3 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही तुमने उसको 3 दिन लगाया तो तुम यार उठा के उसमें गलतियां करनी शुरू कर दोगे, तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे क्वालिटी पे। तो यार इफेक्टिवली हमें डेडलाइन रखनी है, दैट विल हेल्प अस टू रिमेन टाइम बाउंड, और हमें डेडलाइन ऐसी रखनी है कि हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अगर अपनी लाइफ में सीख जाओगे तो चीजें होने लग जाएंगी, काम होने लग जाएंगे, और बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।